हेलो, गुड मॉर्निंग अंकल जी। अरे बोलो बेटा, शिमला से बोल रहे हो? जी अंकल जी, शिमला से बोल रही हूँ। क्या हुआ बेटा, जल्दी बताओ, तुम्हारी तुम्हारी आंटी आ जाएगी। अंकल जी, जो हुआ वो तो मैं आपको कल रात ही बता देती, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। आप जो गिफ्ट देना चाहते हैं आंटी जी को उनके बर्थडे पर, उन्हें दे सकते हैं। रियली बेटा? जी, मैंने ओनर से सारी बातचीत कर ली है और वो होटल भेजने को राजी हो गए हैं। Isn't that a good news? This is the best news I have heard in years, पुत्र। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, तूने इतनी बड़ी खुशखबरी सुना दी मुझे। थैंक यू बेटा। अंकल जी प्लीज, आप थैंक यू ना कहिए, मुझे बहुत बुरा लगता है। अच्छा अंकल जी, मैं होटल के ओनर के साथ सारी बातचीत करके उनको एडवांस देकर जल्दी से जल्दी यहाँ से रवाना हो जाती हूँ और आपको वहाँ आकर मिलती हूँ। ओके बच्चे, ओके। और मैम साहब, और मैम साहब, मैं क्या कर रहा है? हाँ जी, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे थे? कुछ नहीं, ऐसे ही बुड्ढा पागल हो गया था। शुक्र है तुम असलियत जान गए और कबूल भी कर लिया। चलो नाश्ता कर लो। अशोक, नाश्ता लगाओ। क्या मतलब है जी आपका? गुड मॉर्निंग बाबा, आपने मुझे याद किया? हाँ बेटा, बैठो, इसे पढ़ लो। पावर ऑफ अटर्नी मेरे नाम पर बाबा? हाँ बेटा, अब हमारी पूरी चेन ऑफ होटल्स की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर आ गई है। लेकिन बाबा, ये पावर ऑफ अटर्नी मेरे नाम पर करने की क्या जरूरत है? क्यों अली भाई, तुम नहीं चाहते कि मैं इस उम्र में बेफिक्री से आराम कर सकूं? बेशक बाबा, आप आराम कीजिए और मैं होटल्स की जिम्मेदारी भी संभाल सकता हूँ, लेकिन लेकिन मैं आपकी कुर्सी पर कैसे बैठ सकता हूँ बाबा? नहीं नहीं बाबा, आप चेयरमैन और आप ही चेयरमैन रहेंगे।